हेलो so, एवरीवन तो आज हम आप लोग के लिए कुछ मैथ का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं तो ये क्वेश्चंस ने भी एम के लिए है और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है ठीक है तो इस क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से करना है और अच्छे समझना अगर तो आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है ठीक है तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में कि एक पुस्तक अस्सी रुपए में खरीदी गई और बीस परसेंट लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस ने भी एम में और एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं ठीक है तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि अस्सी रुपये में खरीदी गई और बीस परसेंट लाभ पर बेची गई तो क्रैमोल विक्रैमोल निकालना है तो यहाँ पर मैंने तो अस्सी लिख दिया इतना समझ में आ गया उसके बाद मल्टीप्लाई सिंपली से ही करना है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो बस आपको मतलब कि यही ट्रिक लगा के फटाक दे इसका आंसर मतलब निकाल देना है तो देखिए यहाँ पे अस्सी हो गया मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करें भैया बीस बीस परसेंट न तो बीस परसेंट शायद मैंने आप लोग को बताया होगा कि अगर बीस परसेंट लाभ बोले तो सौ में क्या करना है बीस को जोड़ देना है तो एक सौ बीस आ जाएगा अगर रही क्वेश्चन कि यहाँ पे बोले बीस परसेंट हानी तो यहाँ में सौ में आपको बीस परसेंट बीस घटा देना है तो क्या आ जाएगा अस्सी ठीक है तो यहाँ पर तो कह रहा है कि बीस लाभ तो एक हो गया आपका उसके बाद परसेंट का मतलब सौ ठीक है क्लियर हो गया उसके बाद आपको एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से इधर एक जीरो कट गया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे बारह और आठ में तो कितना आ आ गया गया मेरा 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 जाएगा सही आंसर तो यही हो गया मेरा यही निकल गया ठीक है अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो बस सिंपल ऐसे ही बना देना है ज्यादा टाइम मत लेना है ठीक है उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टू में कि जब किसी संख्या के साठ परसेंट में से साठ घटाया जाए तो परिणाम साठ आता है तो संख्या क्या होगी तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे बनेगा जल्दी तो सोचिए थोड़ा सा जब किसी संख्या के साठ परसेंट में से साठ घटाया जाए तो साठ परसेंट का मतलब क्या है साठ बटा सौ क्लियर हो गया पहले मैं अभी इसको नहीं समझा रहा हूँ उसके बाद कर 60 साठ हो जाए तो साठ तो परिणाम कितना है भैया दे रहा है साठ दे रहा है ना सबका तो साठ आ गया उसके बाद कर रहा है तो संख्या क्या होगी तो संख्या निकालेंगे तो मतलब कि यहाँ पे देखिए एक्स लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं जो भी आपको मन है एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हो सकता है आप मान सकते हैं वाट का भी यहाँ पे चिन्ह मान सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे करने के बाद संख्या पूछा जा रहा है तो साठ एक्स मान लिया मैंने कि यहाँ पे एक पुटअप कर दिया तो आपका संख्या निकल जाएगा तो साठ एक्स बाई सौ माइनस साठ बराबर साठ क्योंकि इतना क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको इतना समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि साठ परसेंट में से साठ घटाया जाए तो परिणाम साठ तो साठ परसेंट का मतलब मैंने यहाँ पे सौ कर दिया माइनस साठ घटाया जाए तो साठ परिणाम आता है तो इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं आगे चलने के बाद देखिए साठ बटा सौ और यहाँ पे करेंगे इधर साठ है और इधर ये प्लस ये माइनस में अगर इधर हम ले जाएंगे तो क्या आगा प्लस होगा ना तो इधर साठ साठ एक सौ बीस एक सौ बीस हो गए इतना इतना भी क्लियर उसके बाद देखिए अब क्या किया मैंने कि एक बराबर निकाल दिया कि सौ ठीक है ये समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कि बताई सौ मैंने किया हूं ना यहाँ एक सौ बीस किया हूं तो हम क्या करेंगे भैया यहाँ पे एक बटा ले लेंगे वन और उसके बाद यहाँ पे मतलब कि तिरछा तिरछू मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये साठ हो जाएगा ना तो साठ बराबर कितना हो गया तो मतलब कि सौ गुणा मतलब गुना नहीं किए यहाँ पे आपको मतलब कि अगर गुना करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इतना सौ गुना एक सौ बीस तो एक से बराबर क्या करेंगे एक से बराबर सौ गुना आपका बट्टा में ये नीचे ये भागा भागा में फिर जा आ जाएगा तो नीचे सॉरी ये गुना में तो आपका आ जाएगा भागा में ठीक है तो यही यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया हूँ इतना तो यहाँ पे साठ से काट दिया एक सौ बीस का दो आगे और यहाँ पे सौ से गुना कर दिया दो को तो एक बराबर मेरा आगे दो सौ सही आंसर ठीक है अगर आप लोग ये क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है उसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड में है कि ए का वेतन बी के वेतन से पचास परसेंट अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है तो देखिए ये भी बहुत ही मतलब कि सवाल ऐसे देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि सब लोग बनाते हैं यहाँ पे सब लोग बना लेते हैं ऐसा बात नहीं है क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा सब लोग नर्वस हो जाते हैं कि अब कैसे बनेगा अब ये कैसे बनेगा तो थोड़ा सा यही आपको वहाँ पे क्या करने नर्वस नहीं होना एग्जाम में फटाफट जिस टॉपिक पे आपको चढ़ता जाए वैसी टॉपिक पे बना जैसे भी बने आपको जल्दी से बना लेना है देखिए अब यहाँ पे मैंने सिम्पलिस कर दिया कि पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम तो मैंने लिखा दिया अभीष्ट प्रतिशत बराबर एक आपका फॉर्मूला होता है कि आर बाई सौ प्लस आर मल्टीप्लाई हंड्रेड उसके बाद यहाँ पे मैंने मान पुटअप कर दिया तो देखिए पचास है ना आर का मान तो यहाँ पे आर का मान मैंने पचास रख दिया और यहाँ पे सौ आपका क्वेश्चन में है और आर यहाँ पे पचास मल्टीप्लाई सौ बस कुछ नहीं किया उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया पचास पचास आ गया और ये आपका सौ और प्लस पचास कितना हो गया डेढ़ सौ आ गया मल्टीप्लाई सौ तो यहाँ पे काटेंगे तो पस्ती यहीं पंद्रह तो यह मेरा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सौ बटे तीन ठीक है सौ बटे तीन के बाद अगर हम भाग देंगे तीन में और सौ कितना आएगा तैतीस पूर्णांक्री थ्री परसेंट यही हो जाएगा सही आंसर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर फोर में है कि एक बल्लेबाज ने अपनी दस पारियों में थ्री सॉरी सैंतीस दशमलव पांच रन के औसत रन बनाए ग्यारहवीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका कुल औसत चालीस रन हो जाए तो ये शायद मैंने आपको एक बार क्वेश्चन बता चुका लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था मतलब कि इसी टाइप के था तो देखिए यहाँ पे क्या करना है सिंपली से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन देखें कि दसवीं पारी में इतना रन का औसत और उसके बाद बोला कि ग्राहवाई पारी में कितना रन बनाए कि इतना औसत मतलब कि औसत चालीस रन हो जाए तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन देखे ना फटाक दे आपको क्या करना है कि ये सब कुछ नहीं लिखना है इतना इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है बस आपको क्या करना है कि ग्यारह और मल्टीप्लाई चालीस ठीक है अगर इस पर इसी टाइप के क्वेश्चन दिखे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर देखिए पच सैतीस दशमलव पाँच इंटू दस कर दिए ना और यहाँ पे देख लीजिए वही काम मैंने किया हूँ उसके बाद करने के बाद सीधे से मल्टीप्लाई इसको कर देना है और इसको भी अलग अलग कर देना है अलग करने के बाद यहाँ पे एक सिंपली ध्यान रखने के यहाँ पे आपको घटाओ का रखना है उसके बाद चार सौ चालीस अगर इसको करेंगे तीन सौ पचहत्तर आ गया तो चार सौ चालीस में से तीन सौ पचहत्तर घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा सही आंसर पैंसठ रन यही हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है अगर इसको आप सूत्र पे बनाते हैं तो ये आपका मतलब कि लॉन्ग जाएगा क्या बता सकते हैं आपको उसके बाद में अगला क्वेश्चन फाइव में तो फाइव भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए साइन साइन के पावर साइन साइन के पावर फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा ठीक है बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है तो ये देखिए क्वेश्चन ये कैसे बनेंगे किस फॉर्मूले पे इसको मैंने तोड़ रखा हूँ तो यहाँ पे मैंने इतना ये क्वेश्चन को यहाँ पे ये यह भी यहाँ पे मैंने रख दिया कोई बात नहीं उसके बाद साइन मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे ये सूत्र आपको याद होगा शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना तो यहाँ पे भी सेम लग रहा है ना आपको मतलब कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ रखा हूँ इस फॉर्मूले पे ठीक है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस भी हो गया ना तो देखिए यहाँ पे भी वही काम कर दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी तो इससे आप लोग मत सोचिए कि यहाँ पे पहले प्लस है यहाँ पे बाद में माइनस है तो यहाँ पे देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ये तो टूट गया आपका इस सूत्र पे ठीक है ये टूट गया आपका इस सूत्र पे उसके बाद मैंने क्या किया और साइन स्क्वायर ठीठा से इसको हमने कैंसिल कर दिया तो बचा क्या साइन स्क्वायर ये बचा ना आपका सिर्फ साइन स्क्वायर ठीठा प्लस स्क्वायर तो यहाँ पे हम क्या होता है साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कौश स्क्वायर बराबर One होता है हो गया आपका सही उसके बाद सौ का चालीस परसेंट प्लस डेढ़ सौ का, का मान है तो दो सौ का चालीस मतलब परसेंट में डेढ़ सौ का तीस परसेंट इतना हो गया उसके बाद यहाँ पे देखिए सौ से काटेंगे दो आ गया और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो एक से एक जीरो तो पंद्रह दिया पैंतालीस ठीक है आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन उसके बाद यहाँ पे चालीस दूनी अस्सी हो गया उसके बाद यहाँ पे पंद्रह दिए पैंतालीस हो गया उसके बाद यहाँ पे हम दोनों का ऐड कर दिया तो सौ पच्चीस सही आंसर है मतलब कि ये आपको बनाने में एग्जाम में लगभग लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मतलब कि दस से पंद्रह सेकेंड में आपको बना लेना चाहिए पंद्रह सेकेंड ठीक है पंद्रह सेकेंड क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं मुझबानी ही बन जाएगा उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेवन में कि बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन पांच सौ मीटर लंबी सुरंग को एक मिनट में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी तो ट्रेन की लंबाई निकालना है तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है या आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं या इसको ट्रिक पे भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने ट्रिक पे बताया था तो आज ये फॉर्मूला भी देख लीजिए तो देखिए कह रहा है ना कि बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा तो इस प्रकार का क्वेश्चन ना तो पहले इसको किलोमीटर में है तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे जितना जल्दी हो सके तो बहत्तर ठीक है आपको याद होगा कि बहत्तर अब मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे अठारह बटा पाँच ठीक है ठीक नहीं नहीं सॉरी यहाँ पे पांच बटा अठारह सॉरी बहत्तर मल्टीप्लाई पाँच बटा अठारह तो अठारह चौक बहत्तर चार और चार पचे बीस हो गया ना आपका तो बीस हो गया ये बीस होने के बाद आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे एल प्लस पाँच सौ लंबाई निकालना है तो एल प्लस पाँच सौ दिया है ना ये पाँच सौ मीटर ट्रेन की लंबाई है और साठ कैसे आ गया भैया ये सोचिए एक मिनट बराबर साठ सेकेंड होता है तो साठ हो गया यहाँ पे इतना क्लियर हो गया क्लियर हो गया उसके बाद मैंने क्या किया कि एल प्लस पाँच सौ बराबर अगर ये अगर मतलब कि मतलब कि बट मतलब कि गुना भागा में है तो इसको जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो गुना में होने के बाद ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया डायरेक्ट छः दू 1200 बारह सौ आ गया और बारह सौ आने के बाद एल बराबर बारह सौ इधर प्लस में है तो इधर है तो माइनस में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे बारह से बारह सौ में से पाँच सौ घटाएंगे तो सात सौ मीटर आ जाएगा यही हो जाएगा सही आंसर ट्रेन की लंबाई ठीक है उसके बाद में अगला क्वेश्चन एट में एट में देखिए एट में कि वन बटा वन प्लस साइन ठीटा उसके बाद प्लस वन बटा वन माइनस साइन ठीटा बराबर वाट तो देखिए यहाँ पे आपको एलसीय आता होगा शायद सब लोग को यार आता होगा एलसीएम तो ऐसा बात नहीं कि एलसीयम किसी को नहीं आता होगा सब लोग को आता होगा तो यहाँ पे वही काम करना है ठीक है समझ रहे होंगे आप लोग इतना उसके बाद यहाँ पे करने के बाद इतना तो एक तो आप को मालूम होता है ना कि अगर चार बटा पाँच मान लगी ये हो गया तीन तो ये आपका कितना होता है पंद्रह होगा ना ये नीचे तो पांच में और पाँच पांच में और पंद्रह से भाग देंगे तो कितना आएगा पांच तीन आए, ती आएगा ना और तीन में चार से गुना करते हैं ठीक है यही ना करते हैं तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं सेम काम तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई ये लघुतम से निकल गया निकलने के बाद आपको क्या करना है कि अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये निकल गया निकलने के बाद अब इसमें और इसमें आपको भाग देना है तो देखिए वन प्लस साइन थीठा वन प्लस साइन थीठा से कट जाएगा ना मतलब कि भाग देंगे तो कटेगा ना तो क्या बचेगा वन प्लस साइन थीटा तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया वन प्लस साइन थीटा उसके बाद यहाँ पे देखिए अब फिर ये इसमें और इसमें से भाग देंगे पूरा में तो कितना आएगा वन माइनस साइन थीटा तो वन माइनस साइन थीठा तो कट जाएगा तो क्या बचेगा वन प्लस साइन थीटा तो वन प्लस साइन थीटा यहाँ पे पुट अप कर दिया उसके बाद अब देखिए कि ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस ये हो गया आपका प्लस साइन थीटा ये हो गया कैंसिल ठीक है प्लस गुना माइनस कट जाता है तो ये हो गया प्लस और ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये होता है प्लस आगे तो एक एक दो दो हो गया ना दो होने के बाद आप क्या करेंगे वन प्लस साइन ठीठा वन माइनस साइन थीठा तो यहाँ पे देखिए अब सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ठीठा है तो आप लोग को फार्मूला याद होगा ऐसा बात नहीं है वन माइनस साइन स्क्वायर ठीठा बराबर होता है ये मतलब कि ये फॉर्मूले पे मैंने तोड़ दिया इसे तो इतना आ गया इस पार्ट में आ गया आने के बाद ये आपका दो और देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ठीठा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ठीटा होता है ना इसका इसका फॉर्मूला यही ना होता है इसका ठीक है उसके बाद आ जाने के बाद इतना तो दो बटा कॉस स्क्वायर ठीक हो गया और यहाँ पे देखिए स्क्वायर बराबर वन बटा में कॉस स्क्वायर ठीठा होता है ठीक है तो वन बटा कॉस स्क्वायर ठीठा तो मान वन बटा कॉस स्क्वायर ठीठा हो गया तो कॉस स्क्वायर हम क्या बदल दिए यहाँ पे सेक में ना तो सेक स्क्वायर ठीठा और ये आपका टू टू हो गया तो ये हो गया सही आंसर ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको भी ठीक है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन में कि एन के चालीस प्रतिशत का चालीस परसेंट यदि चालीस हो तो रूट एन का मान क्या होगा तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो देखिए एन का चालीस परसेंट मतलब कि चालीस बटा सौ गुना चालीस परसेंट इतना तो चालीस हो तो रूट एन का मान निकालना है तो देखिए यहाँ पे सिंपली से मैंने इसे क्या किया हूं इतना करने के बाद एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया और एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे पच्चीस चौ का सौ काट दिया मैंने कट गया ना आपका तो बचा क्या अब बचा क्या आपका तो फोर एन अब ये एन में और यहाँ फोर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर एन और यहाँ पे पच्चीस में और से तो यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा चार से और यहाँ एक हज़ार तो आ जाएगा ढाई सौ और एन बराबर 200, तो आगे बढ़ते हैं तो रूट एन का मान पूछा जाए जा जा जा, तो रूट एन बराबर, तो रूट सॉरी दो और दो सौ पचास का बर्गमूल निकालेंगे तो आगे पंद्रह पॉइंट एट वन सही आंसर यही हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टेन है कि एक दुकानदार अपने वस्तु के क्रैमूल पर बीस परसेंट अधिक मूल्य अंकित करता है वह नगद भुगतान के लिए ग्राहकों का ग्राहकों के कुल बिल पर दस परसेंट कटौती करता है उसका शुद्ध लाभ क्या होगा तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा बहुत ही मतलब की सिंपल है क्रैमूल पर बीस परसेंट ठीक है तो क्रैमूल पहले हम इसका नहीं है दिया है ना तो क्रैमुल हम लिख लेंगे माना कि क्रैमुल बराबर सौ रुपया उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल करता है तो वह नगद भुगतान के लिए ग्राहकों की कुल बिल पर बीस परसेंट कटौती तो ये देखिए आपका विक्रयमूल में बोल रहा है ना विक्रय पहले इसका पता कर लेंगे कि कितना होगा तब तो लाभ दोनों का निकलेगा क्रैमुल और विक्रय से घटा देंगे तो लाभ पता चल जाएगा कितना होगा मेरा तो यहाँ पे देखिए विक्रय विक्रयमुल बराबर यहाँ पे सौ आपका है ना ये क्रैमुल क्रैमुल यहाँ पे क्या माना मैंने क्रैमूल क्रैमुल आपका हो गया सौ रुपया तो यहाँ पे कर रहा है क्रैमुल पर तो क्रैमुल पर बीस परसेंट तो बीस में हम बोले ना कि बीस परसेंट बोले तो बीस एक सौ बीस हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन दस परसेंट कटौती करता है तो दस परसेंट कटौती का मतलब कि सौ में से कितना सौ में से दस को घटाएंगे तो आ जाएगा नब्बे तो ये नब्बे हो गया तो नब्बे आने के बाद नब्बे बटा सौ हो जाएगा ठीक है परसेंट का मतलब सौ तो एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया ये नब्बे अतः लाभ बराबर मैंने लिख देंगे कि एक सौ आठ माइनस हंड्रेड बराबर आठ परसेंट यही हो गया मेरा लाभ ठीक है तो यही कुछ आप लोग को टेन क्वेश्चन करवाना था अगर आप लोग को टेन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए मिलता हूं अगले वीडियो में बाय बाय